नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें कुल क्वेश्चन है 30। तो आपको भी साथ के साथ इनके आंसर देना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी ना हरियाणा जीके की तैयारी पता लग जाएगी कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कितनी है और आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगी 2 सेकंड। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी, ये हुई थी मार्च 1993 में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जन्म अंतराल को संतुलित करने के लिए गर्भ निरोधक का शुभारंभ कब किया गया? तो ये कब किया गया, ये किया गया 29 मार्च 2016 से। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की शहरी मृत्यु दर क्या है? तो ये क्या है, ये है 5.3%। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्म के आधार पर हरियाणा में सिख जनसंख्या कितनी है? तो ये कितनी है, ये है 1,24,378। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये कौन थे, ये थे देवी सिंह तेवतिया। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीर शाह मजार किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है, ये पड़ती है फतेहाबाद में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दादरी को नया जिला कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 18 अक्टूबर 2016 को। आंसर डी। देखो कई बुकों में ना 16 नवंबर 2016 भी दे रखा है, अगर ऑप्शन में 18 अक्टूबर 2016 ना दे रखा हो तो आप निशान किसको लगाओगे, 16 नवंबर 2016 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेरा बाबा भूमन शाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है, ये है सिरसा में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दरगाह नौगजा पीर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है, ये है अंबाला में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बनावली की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? तो ये किसके निर्देशन में हुई थी, ये हुई थी डॉक्टर सूरज भान की। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐतिहासिक स्थल भगवानपुरा का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? तो ये किस वर्ष में हुआ था, ये हुआ था 1975-76 में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो इसका आंसर आएगा बामन पुराण। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीमेंट उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सूरजपुर का। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिंजौर सवरघाट कौन सा राजमार्ग है? तो इसका आंसर आएगा NH21C। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 2009 में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सावधान का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर आएगा भिवानी से। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश पे किस युग का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर आएगा कृषि युग का। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, नारनौल के समीप नसीपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था? तो वो तीन शक्तियाँ कौन सी थी, ये थी रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर की। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भाग। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनंत नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये किस अंग पे पहना जाता है, ये पहना जाता है बाजू के ऊपरी भाग पर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर आएगा सोपली, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, छड़ियों का मेला किस जिले में लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है करनाल में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दादा काना रावत मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है बहीन में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, रविदासी पंत के मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? ये किया जाता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, और ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है सिरसा में, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका आंसर आएगा रोहतक से, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एशियन गेम 2014 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? 91, आंसर बी। अगर पूछे 2018 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो आंसर आएगा 83, जिसमें से 50 तो पुरुष थे और 33 थी महिलाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, शौर्य चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर आएगा 31 लाख, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में साक्षरता दर क्या है? तो ये क्या है? 86.05%, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा में बलवन का शासन कब रहा? तो ये कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1266 से 1287 ईस्वी तक, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाबा मुरलीधर कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कब बने थे? तो इसका आंसर आएगा 1886 में, आंसर सी। और अगर आप एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी है, चाहे वो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस का हो, या लैब अटेंडेंट का हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जो एचएसएससी से रिलेटेड है, उसके लिए हमने 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।